अजय देवगन ने 100 करोड़ क्लब में कई फिल्में दी हैं, लेकिन अब तक 150 करोड़ तक भी नहीं पहुंच पाए हैं। हमेशा अजय के बारे में कहा गया है कि 150 या 200 करोड़ तक पहुंचने का मादा उनमें नहीं है, लिहाजा बहुत बड़े बजट की फिल्में उनको लेकर बनाना अत्यंत जोखिम भरा है। इस दिवाली पर अजय देवगन की गोलमाल अगेन रिलीज हो रही है। गोलमाल बेहद पॉपुलर सीरीज रही है और इस सीरीज की सभी फिल्में सुपरहिट रही है। इसे रोहित शेट्टी निर्देशित कर रहे हैं। रोहित और अजय की सफलता का प्रतिशत बहुत ज्यादा है। ये फिल्म दिवाली पर रिलीज हो रही है। दिवाली पर यूं भी फिल्म का व्यवसाय बहुत बढ़ जाता है, साथ ही इस फिल्म के सामने कोई फिल्म रिलीज नहीं हो रही, यानी कि मैदान साफ है, दर्शकों के सामने कोई विकल्प नहीं है। गोलमाल अगेन एक हास्य फिल्म है और त्योहार के अवसर पर दर्शक इस तरह की फिल्म देखना पसंद भी करते हैं। इन सारी बातों को देखते हुए फिल्म उद्योग में आशा व्यक्त की जा रही है कि गोलमाल अगेन 200 करोड़ का आंकड़ा पार कर सकती है और अजय देवगन का नाम भी इस क्लब में शामिल हो सकता है।